अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं गिलानी रोज। मैं हूं सईद अली अब्दुल्ला गिलानी और फिर से हाजिर हूं कभी बिस्मिल की एपिसोड 22 के टीजर के साथ। और एपिसोड 21 के बारे में बातचीत करेंगे कि उस ड्रामे में एपिसोड 21 में क्या क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले हम टीजर देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एपिसोड 21 और 22 के टीजर दोनों के बारे में। लेट्स प्ले द टीजर फर्स्ट। जो ने किया और वो मैं तुम्हारे छुपा कर रहा हूँ, ये तो हम कह रहे हैं उसने जो किया वो तो इसे उठा धोखा देने वाले के लिए तुमने जिंदगी से मेरी तरफ जाना है ना ही बनी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और इस बदनामी का दाग तभी धुलेगा जब ईटी मुझे दुनिया के सामने तस्लीम करेगा। ये चीज अच्छे टीजर के अंदर आगे से उन्होंने दूसरा ड्रामा के साथ प्रोमो ऐड कर दिया, वो एक नया ड्रामा आ रहा है। तो जहां तक मेरे पास इसका टीजर है, तो टीजर की बात करें तो अभी वो अपनी जो उसकी सेक्रेटरी थी, मेरा ख्याल उसको वो फायर कर रहा है क्योंकि उसने खबरें खबरें लीक की हैं। वो आगे से कह रही है कि मैं तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। मेरा ख्याल इसी बारे में बातचीत हो रही होगी जब वो खड़ा होकर उससे कह रहा था, तो मान जा उसको आगे कहता है डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। और जिसमें मासूम है वो अब घुसना चाह रही है पीजी हाउस में और वो चाह रही है कि ये ऐलान सब होता है। जब मेरा ख्याल है वो शादी के ऊपर हो सकता है वो शादी के ऊपर उसने उसको इन्वाइट किया और उसने डिमांड रखी हो कि अगर तुमने मुझे साथ रखना है तो मुझे शादी पे अपनी वाइफ के तौर पे सबके साथ मिलाओ। तो जिसकी वजह से मूसा जो है वो पीटी के सामने खड़ा हो गया कि जी ये आपने सब कैसे कर सकते हैं। और आने वाली किस्त में आज रात को लगेगी, उसके बारे में देखते हैं क्या कुछ होता है। जो बात रही एपिसोड 21 की, तो उसमें वही फैमिली ड्रामा काफ़ी ज़्यादा चलता रहा। पहले जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो नुमाइंदा और जो मासूमा हरीम जो है उसकी फर्स्ट वाइफ, वो दोनों खड़े हुए गार्डन में बातचीत कर रहे हैं और टीटी जो है उसको अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि मैंने दूसरी शादी क्यों की है। वो उससे अपने गिले शिकवे कर रहा था, भाई देखो ये जो जस्टिफिकेशन है ना, वैसे तो मैं थ्रू आउट नुमाइंदा उसको सपोर्ट कर रहा था लेकिन यहाँ पे आके ना मैं थोड़ा सा हो गया हूँ। अब इस किस्म के लेम जस्टिफिकेशन जो है ना वो नहीं दे सकते कि हाँ जी मैंने इस तरह से कर ली तुम्हारा ध्यान था जो भाई तुम जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था ये बड़ा खुश था तुम फैमिली के साथ, तो आप इन बातों को जो है ना वो अपना एक्सक्यूज नहीं बना सकते दूसरी शादी करने के लिए। ठीक है सम अदर रीजंस कैन बी, लेकिन ये वाली वजूहत जो है मैं इसे बिल्कुल भी जो है ना वो भी हुआ मुझे पर्सनली जो है मैं जस्टिफाई नहीं हुआ उसके एक्सक्यूजेस से। अगर इस किस्म के मामला थे तो आप लोग बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, और अगर वो तुम्हें अपनी मर्जी के लोगों से चला रही थी, अपनी मर्जी के लोगों के साथ अगर आपको वो मेल जोल रखने दे रही थी, तो फिर आप उससे उस वक्त स्टैंड लेके इस बात पे कह सकते थे कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता जो तुम उससे डिमांड कर रही हो। आप उस वक्त उन चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते थे लेकिन आपने वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी वो सारी बातें मानी और आज उन बातों को आप एक रीज़न बना के कह रहे हो कि मैंने दूसरी शादी कर ली, तो ये थोड़ा सा झूठ है। वैसे वो आपको अच्छी लगी हुई एक लदा बात, आप उसको इस तरह से जस्टिफाई तो कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे ये इशू से वो इशू कोई भी नहीं थे ड्रामा का। उसके बाद मूसा जो है वो निकल जाता है, वो कहता है वो भी आगे से थोड़ी सी बहस होती है, वो कहते हैं आपको लाश मिलेगी और ये वो सारा कुछ। मुझे तो एक दफ़ा डर लग गया था, मैंने कहा सचमुच ऐसा ही ना हो कि वो, क्योंकि पिछले एपिसोड में वो हरीमी जी कह रही थी कि एक लाश हमारे घर से निकली अब एक लाश उनके घर से निकली, तो मैं कहूँ ना वे मुंडा मार दें, तो फिर वो गाड़ी लेके गया तो एक्सीडेंट भी हो गया मैं कहूँ, लेकिन बहरहाल वो बचत होगी उसको, माइनर से चोटें लगी हैं ज़्यादा बचत नहीं है लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आपने देखा वो जो एयर बलून्स होते हैं वो जो सेफ्टी बैग्स होते हैं एयर बैग्स होते हैं वो नहीं खुले गाड़ी के, हालांकि वो इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके अगर वो सीधा डायरेक्ट हिट हुई है उसको मतलब चोट लगी हाथ लगी है, एयर बैग्स गाड़ी के खुलना चाहिए थे लेकिन वो नहीं खुले, बहरहाल उसको चोटें लग गई हैं। और इसी असना में जो है हरीम जो है वो बेहोश रहती है, वो अपने बेटे से बात करते हुए, काफ़ी टेंस माहौल चल रहा था और उधर से उसकी जो मंगेतर है वो भी फ़ोन पे फ़ोन करी जा रही है और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। पहले तो उसने 2-3 कॉल्स की उसने अटेंड नहीं की, उसने वॉइस मैसेज किया, बाद में नुमाइंदा उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी मैंने मोर देन 100 कॉल्स की, भाई उसको कैसे पता चला एक्सीडेंट हो गया, 100 कॉलें कर दी, इतनी टेंशन अचानक से कहाँ होगी। जो पहले मैसेज किया था वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग मैसेज था कि हाँ उसको समझ आ रही थी कि भाई कोई टेंशन चल रही है जिस वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा। बहरहाल वो बेहोश होगी हरीम जो है, उसके बाद वो बचत होगी उसकी, वो सारा कुछ ठीक हो गया। हनुमान जी उसको मैसेज किया कि हरीम ने भी मैसेज किया कि यार तुम घर आ जाओ, और वो खैर घर आ गए इमोशनल ब्लैकमेल होके। अब आगे उसकी शादी की बातचीत चल रही है, तो
जब टीटी जाता है उसके मासूमा के घर उसको लेने के लिए, वो अक्स कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। यार ये चल के आ रहा है, अभी तुम्हें उसने सब कुछ दे दिया, इतना कुछ दिया, घर दिया, गाड़ी दी, पैसा दिया, हर साइड से दिया, अब तुम उसके बाद ड्रामे बाजी आगे मुझे ये लगता है कि इसकी वो उसको बदनाम तो हो गए, तो सबने हमें वो जो रिंपल माँ से कहती है कि उसकी माँ उसको कहती है ना नाम इकट्ठी कर सारा कुछ, कहती है कोई बदनाम नाम ना होगा तो उसने मुझे एक्सेप्ट करो, और एन मोमेंट की वो शादी पे उसकी बन के भी हमें आने वाली किस्म नजर आ जाए, तो कल वाली किस्म रात को क्या होता है, तो वीडियो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे वो ड्रामे के एपिसोड देखने के बाद। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए अपने चैनल पर भी, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।